महाराष्ट्र में ठाकरे राज की शुरुआत हो गई। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। लेकिन तीन पहियों की सरकार को चलाना उद्धव के लिए इतना आसान नहीं होगा। सत्ता में मलाई चाटने तीनों पार्टियां अपनी विचारधारा को दफन करके साथ में सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनते ही अब मलाईदार पद के लिए खींचतान शुरू हो गया है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ था, जिसे फिलहाल सुलझा लिया गया है। एनसीपी के पास डिप्टी सीएम पद रहेगा और कांग्रेस को स्पीकर का पद मिलेगा, जबकि पहले कांग्रेस भी डिप्टी सीएम पद पर अड़ी हुई थी। अब एनसीपी में डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम का पद एक है और एनसीपी से दावेदार कई हैं। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, छगन भुजवल भी और जयंत पाटिल भी दावेदार हैं। इसके अलावा गृह और वित्त मंत्रालय की मांग भी एनसीपी कर रही है और खबर है कि एनसीपी के खाते में गृह और वित्त मंत्रालय जा सकता है। लेकिन फिलहाल मंत्रालय बंटवारे को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में काफी मथापच्ची हो रही है। डिप्टी सीएम पद को लेकर फैसला अब 22 दिसंबर के बाद होगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि डिप्टी सीएम के पोस्ट एनसीपी के पास रहेगा और इस पर हम 22 दिसंबर के बाद फैसला करेंगे कि एनसीपी से डिप्टी सीएम कौन होगा। सरकार बनने से पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा दावा किया जा रहा था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में जनता के समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक जनता की समस्याओं पर चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा सिर्फ मंत्रालय के बंटवारे पर हो रही है। और अब तक मंत्रालय बंटवारे पर तीनों पार्टियों में पेच फंसा हुआ है, क्योंकि तीनों पार्टियां अपने अपने खाते में मलाईदार पद चाहती है। फिलहाल देखते जाइए, अभी तो और घमासान होना बाकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दूर रहीं। यहां तक कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई। दरअसल ये सब कांग्रेस की सोची समझी चाल है, ताकि इस कार्यक्रम का दायरा महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाए। उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता के साथ राजनीति संदेश भी देना चाहते थे। इसके लिए बुधवार शाम उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें न्योता भी दिया था, पर दोनों नेता दूर रहे। दरअसल कांग्रेस इस बेमेल गठबंधन को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती है, क्योंकि शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि इसका असर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव पर पड़े, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा सेकुलर है, जबकि शिवसेना खुलकर हिंदुत्व का सपोर्ट करती है। इसके अलावा भी अभी तक कांग्रेस भी इस गठबंधन को लेकर बहुत सहज नहीं है। इसके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर का हश्र भी इन नेताओं की दूरी की वजह बना, क्योंकि 23 मई 2018 को शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर विपक्षी एकता के तौर पर पेश की गई, पर चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता बिखर गई। वहीं कुछ कांग्रेसी नेता ये भी मानते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह को बहुत ज्यादा अहमियत की जरूरत नहीं है, हम प्रदेश सरकार में तीसरे नंबर के हिस्सेदार हैं, ये सही है कि शिवसेना के साथ मिलकर हम और एनसीपी बीजेपी को रोकने में सफल रहे। हालांकि सोनिया और राहुल की शपथ समारोह से दूरी की और क्या मायने हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बेमेल गठबंधन का हश्र कर्नाटक जैसा ही होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण पास करने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा में मैं नया हूँ, यह सब पहली बार देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मेरा अनुभव नहीं है। बहुमत परीक्षण के वक्त देवेंद्र फडणवीस उद्धव सरकार पर जमकर बरसे। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि ये सरकार संविधान के खिलाफ जाकर आनन फानन में स्पीकर चुने बिना ही बहुमत परीक्षण करवा रही है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही विधानसभा में बहुमत परीक्षण करवाया गया, जबकि बीजेपी का कहना था कि पहले विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हो, उसके बाद चुने गए स्पीकर द्वारा बहुमत परीक्षण करवाया जाए। लेकिन उद्धव सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायक अभी भी होटल में ही हैं और होटल का बिल बहुत बढ़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने अचानक शनिवार को ही बहुमत साबित करने का फैसला किया। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर जोरदार हमला किया और बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में पहली बार पहुंचे उद्धव ठाकरे ये सब देखकर शांत बैठे थे,
और बहुमत परीक्षण के बाद जब उद्धव की बोलने की बारी आई तो उद्धव बोले कि मैं अब तक मैदान में ही लड़ने वाला आदमी रहा हूँ, लेकिन यह जो व्यवहार देखा उससे लगा कि मैदान ही सही था। पहली बार विधानसभा पहुँचे उद्धव ठाकरे को मैदान ही ठीक लग रहा है, विधानसभा नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे को इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बीजेपी भी विधानसभा में 118 विधायकों के साथ मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसका झलक देवेंद्र फडणवीस ने पहले दिन ही दिखा दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सत्ता का स्वाद चखने में कामयाब हो गई। इसके बाद से ही शिवसेना का हौसला काफी बढ़ गया और शिवसेना के बरबोले नेता संजय राउत महाराष्ट्र से निकलकर गोवा में बीजेपी को सरकार से हटाने के सपने देखने लगे। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद से ही संजय राउत काफी गदगद है। संजय राउत ने कहा कि गोवा में जल्द ही चमत्कार होने वाला है। संजय राउत गोवा में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए संजय राउत ने बीजेपी के पूर्व सहयोगी दल महाराष्ट्र गौमंथ पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी किया, लेकिन गोवा में संजय राउत के लिए बीजेपी को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है, क्योंकि सबसे पहले तो 40 विधानसभा सीटों वाली गोवा में बीजेपी के पास 30 विधायकों का समर्थन है और विपक्ष के सभी विधायक एकजुट भी हो जाते हैं तो विपक्ष के पास सिर्फ 10 विधायकों का ही समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के सहयोगी कांग्रेस ने ही शिवसेना को झटका दे दिया है। दरअसल गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास के बजाय विपक्ष में ही बैठेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना या किसी दूसरे दल के साथ फ्रंट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। उधर गोवा बीजेपी के अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने कहा कि संजय राउत मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह दिन में ही ख्वाब देख रहे हैं। शिवसेना ने जो महाराष्ट्र में जनता से वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ सरकार में तो शामिल है, लेकिन शिवसेना के विचारधारा की वजह से खुलकर शिवसेना के साथ कांग्रेस नहीं दिखना चाहती। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के शपथ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दूरी बना ली। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन बहुमत साबित करने के साथ ही किंग मेकर कहे जाने वाले शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस और एनसीपी में डिप्टी सीएम पद पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को स्पीकर का पद दिया गया और डिप्टी सीएम एनसीपी के खाते में गया। अब डिप्टी सीएम पद को लेकर एनसीपी में घमासान शुरू हो गया। अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़कर लौटे हैं तो उनको इनाम चाहिए। वैसे भी विधायक दल के नेता से उनको हटा दिया गया था और डिप्टी सीएम भी नहीं मिलेगा तो अजीत पार्टी में असहज महसूस करेंगे, लेकिन शिवसेना दागी अजीत पवार को सीएम पद या सरकार से दूर ही रखना चाहती है। अजीत एक तो बगावत करके बीजेपी के साथ गए थे और उनके खिलाफ कई मामलों में ईडी जांच कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के अशोक चौहान भी मंत्री नहीं बने, क्योंकि अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाले मामले में ईडी के रडार पर हैं और कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। एनसीपी में डेप्यूटी सीएम पद पर अजीत पवार और जयंत पाटिल में पेच फंसा हुआ है। जयंत भी डेप्यूटी सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं और अगर शरद पवार भतीजे अजीत को डेप्यूटी सीएम नहीं देते हैं तो बाद में पार्टी में बगावत हो सकता है और शरद पवार को इसके लिए भारी कीमत चुकाना भी पड़ सकता है। शरद पवार के सामने समस्या यह है कि अब वो किसकी तरफ जाए, अजीत या जयंत पाटिल। यही वजह है कि एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि डेप्यूटी सीएम का ऐलान 22 दिसंबर के बाद होगा। फिलहाल एनसीपी में एक अनार और 100 बीमार जैसी स्थिति है। अब देखना यह है कि नए चाणक्य के रूप में उभरे शरद पवार इस मामले का हल कैसे निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।